नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भव्य जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी मांग रख दी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश में 4 राजधानी होनी चाहिए, सिर्फ एक ही राजधानी क्यों? उन्होंने कहा कि संसद के चारों सत्र को देश के अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाना चाहिए। ममता ने यह भी कहा कि संसद का सत्र सिर्फ दिल्ली में क्यों होता है, जबकि वहां तो ज्यादातर आउटसाइडर्स हैं। उन्होंने अपने सांसदों को ये मुद्दा संसद में उठाने का भी निर्देश दिया। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, एक समय कोलकाता देश की राजधानी थी, तो एक बार फिर से शहर को भारत की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित नहीं किया जाना चाहिए। कोलकाता को देश की दूसरी राजधानी बनानी ही होगी। उन्होंने परोक्ष रूप से बीजेपी और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक देश एक नेता एक राशन कार्ड और एक पार्टी के विचार को बदलने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल में भी एक राजधानी बननी चाहिए। अगली राजधानी उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान में होनी चाहिए। वहीं एक बिहार, उड़ीसा और फिर कोलकाता में होनी चाहिए। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नेताजी एक सच्चे नायक थे और सभी लोगों की एकता में विश्वास रखते थे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, हम देश नायक दिवस के तौर पर इस दिन को मना रहे हैं। वो लोगों की अखंडता पर यकीन रखते थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।